हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से जा रहे हैं घूमने। अभी फिक्स तो नहीं हुआ है कि हम कहाँ जाएंगे, तो चलिए देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम जाएंगे इस कार में और ये है मेरा हाउस। इस कार में हमको जाना है और प्लान फिक्स हो चुका है। हम जा रहे हैं झारसुगड़ा, उड़ीसा में है। फ्रेंड्स देखिए, अभी हम कार में हैं। यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गया है। निकल चुके हैं झारसुगड़ा के लिए हम यहाँ से, रायगढ़ से। फ्रेंड्स देखिए, अभी हम हैं रायगढ़ में, अभी भी हैं। फ्रेंड्स अभी हम रायगढ़ से बाहर शायद निकल चुके हैं, निकलने वाले हैं, पता नहीं। मैं भी आपको सामने का सीन दिखा देता हूँ, ये तो किनारे से शूट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये है फ्रंट का सीन। के स्पीड में चल रहा है पूरा कार, 100 हिट होने वाला है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ सीन है, मैं साइड से शूटिंग कर रहा हूँ। देखिए पूरा हरा भरा हो गया है बारिश के चलते हुए। आपको मजा आ रहा है ना मेरे वीडियो में, लाइक करना मत भूलना। फ्रेंड्स इस जगह का नाम है झलमला, अजीब सा नाम है, पर वो देखो माउंटेन। अरे फिर छुप गया फ्रेंड्स, ये पेड़ पौधा आ जा रहा है बीच में। क्या करें फ्रेंड्स, देखिए माउंटेन क्या गजब का नजारा है, मतलब सीन है, सीन ही बोलेंगे ना। हाँ वही बोलना चाहिए। फ्रेंड्स अभी हम हैं पुल में, मतलब ब्रिज, मतलब ओवर ब्रिज। देखिए सामने का सीन, झारसुगड़ा भी है 70 किलोमीटर दूर। अभी भी कार में ही है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए आप देख सकते हैं झारसुगड़ा है आगे, एकदम सीधा जाना है हमको। फ्रेंड्स देखिए वो रिवर है जो चले गया। इस जगह का सीन एकदम ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। वाओ कितना अच्छा जगह है। देखिए अब हम उस माउंटेन के एकदम पास में आ चुके हैं, एकदम पास। अभी हम रोड के पास हैं बगल में, और वो बगल में माउंटेन। फ्रेंड्स देखिए अभी तो बारिश स्टार्ट हो चुका है, मैं भी सुन रहा हूँ बरसात की धुन। देखो कितना अच्छा धुन है, तो कुछ अच्छा सीन आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स अब वापस चलते हैं कार में। फ्रेंड्स अभी हम झारसुगड़ा नहीं पहुंचे हैं, बहुत देर लगेगा जाने में वहां पहुंचने के, तो शायद शाम हो जाएगा। 70 किलोमीटर अभी बचे हैं। और फ्रेंड्स अभी हम हैं झारसुगड़ा से आगे संबलपुर रोड में। प्लान चेंज हो गया है फिर से एक बार। प्लान चेंज होता है तो मजा आता है मेरे को। तो अभी हम लोग संबलपुर रोड में हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग देखे होटल हाईवे, जैसा कि आपने टोटल धमाल वाले मूवी में देखा होगा, कार चलते रहता है ना। तो अभी हम लोग ने देखा होटल हाईवे। अभी हम लोग वापस मुड़ चुके हैं, अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं थोड़ा लंच करने। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये होटल है संबलपुर रोड में, होटल हाईवे। ये देखिए तो पहले एनर्जी फुल हो जाए
उसके बाद हम बाकी के वीडियो में जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तब फिर मैं आपको वहाँ के कुछ सीन्स दिखाऊँगा। हम संबलपुर रोड में हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सीन है। देखिए ऐसे जगह घूमने जाने में मजा ही आ जाता है। फ्रेंड्स देखिए अब हम पहुंच चुके हैं जहां हमको जाना था। फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना अच्छा नजारा है। हम अभी एक आइलैंड में जाएंगे थोड़ी देर बाद। देखिए कितना अच्छा सीन है। देखिए फ्रेंड्स वो जो आपको दिख रहा है वो है आइलैंड्स। फ्रेंड्स देखिए मेरी बहन यहाँ बहुत मजे कर रही है। बहुत सुंदर जगह है। फ्रेंड्स देखिए ये टावर है उसके ऊपर हम चढ़ के ना ये सीन पूरा देखते थे। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ पूरा। देखिए हम ये वाला सीन देखते थे उस टावर पे चढ़कर। पूरा चारों तरफ दिखता था, पूरा डैम दिखता था। देखिए मैं आपको थोड़े और दूर से दिखा देता हूँ, अच्छे से दिखेगा। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा सीन है ये। भी चल रहा है, मजा आया यहाँ आके, लेकिन वेट करना पड़ता है हमको। आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। ओ फ्रेंड्स यहाँ तो मुझे बहुत मजा आ रहा है और पता है मैं ना जेट स्की में भी बैठूंगा। आप देखिएगा, देखिए पीछे आइलैंड है। अच्छा लगा ना। यहाँ पर छोटा सा पार्क भी है, पार्क नहीं बोल सकते। देखिए मेरी बहन कैसे झूल रही है, आज मैं बहुत खुश हूँ, स्माइल कर रही है वर्तिका। फ्रेंड्स मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है, मैं भी अभी झूल रहा हूँ। देखिए अरे मैं दिखा नहीं सकता, रुको मेरी मम्मी दिखाएगी। फ्रेंड्स मेरे को इतना मजा आ रहा है, मेरे पापा मेरे को यहाँ लेके आए हैं। कल पता है मेरे पापा घूमने गए थे, फिर मेरे को आ गया गुस्सा, पापा जेट स्की में बैठे थे, वीडियो भेजे, तो मैं बोला पापा आप मेरे को कल कहीं घुमाए जाना, तो आज पापा वहीं लाए हैं हीराकुंड डैम और मैं भी बैठूंगा, पता है किसमें, जेट स्की में, मजा आएगा। फ्रेंड्स देखिए मेरी मम्मी भी झूला झूल रही है। हाय फ्रेंड्स, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम सब यहाँ के। रणवीर और वर्षिका आज बहुत खुश है। एकदम सही मम्मी, एकदम सही बोले आप, गुड। अरे कहाँ गया था, हाँ ये रहा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अरे पापा आप लेट गए, हाय तो बोल दो फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स देखिए मेरी बहन तो झूली रही थी, अब मेरी दीदी भी झूलना स्टार्ट कर दिए। हाय गाइस, हाय फ्रेंड्स। अरे स्नेहा तो बोल चुकी है ना, एक बार और बोल दी। फ्रेंड्स देखिए मेरी मम्मी और पापा को फोटो खिंचवा रहे हैं, मतलब अच्छा जगह मिल गया फोटो खिंचवाने के लिए। देखिए अभी हमने ये लिया है और हम लोग आइसक्रीम भी लिए थे तो उसको अभी फ्रीजर में रखे हैं थोड़ा। तो फ्रेंड्स अभी मैं जाऊंगा जेट स्की में, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स बहुत मजा आ रहा है, देखिए मजा आ गया, मेरा तो बाल ही खराब हो गया। बापरे बापरे बापरे, बहुत थक गया मैं। देखिए फ्रेंड्स इसको भी बहुत मजा आया है।
हाँ बहुत मजा आया, उसमें पानी भी लहर भी आया। फ्रेंड्स अब मैं जेट स्की में सेल्फ ड्राइव करूंगा, पहले मैं ड्राइव नहीं किया था, अब थोड़ा बहुत करूंगा, देखते हैं। डर तो लग रहा है पर हिम्मत करना जरूरी है। Thank you.
तो फ्रेंड्स देखिए डैम के दूसरे साइड का है, बहुत ही अच्छा सीन है। वो बन रहे हैं, देखिए ये बन रहा है और अभी थोड़ा। बहुत अच्छा सीन है और मेरी मम्मी और दीदी अभी देख रहे हैं। देखिए ये रोड बहुत लंबा जाता है, बहुत ज्यादा लंबा, 10 किलोमीटर तक जाता है ये रोड। हम लोग तो अभी बस यहीं से मुड़ जाएंगे क्योंकि ज्यादा हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है और रात तक हम लोग को रायगढ़ भी पहुंचना है। और ये जो चेंबर आपको दिख रहे हैं ना, उसके अंदर क्रोकोडाइल्स हैं, क्रोकोडाइल्स, क्योंकि हम ऐसे तो जेट से हम लोग जेट स्की में घूमे तो क्रोकोडाइल आने का डर था, इसलिए सारे क्रोकोडाइल्स को इस चेंबर में डाल दिया जाता है और ऐसे पैक कर देते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग पास जा रहे हैं थोड़ा, मैं अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं और एकदम पास, देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अच्छा सीन है। वाओ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इतना ज्यादा तेज ये पानी है और देखिए यहाँ पानी पूरा ऊपर आ जा रहा है। बाप रे इतना तेज। फ्रेंड्स देखिए बहुत अच्छा सीन है, सनसेट का टाइम है अभी। फ्रेंड्स आज का मेरा ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ और रात भी हो गया तो शूटिंग करने में थोड़ा दिक्कत होगा इसलिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये वीडियो बनाने पता है मुझे कितना मेहनत लगा, कम से कम जितना हम लोग घूमे ना पूरे दिन में वीडियो शूट किया हूँ, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाय।